हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका कंप्यूटर स्लो हो चुका है तो उसको फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको लगभग 8-10 स्टेप्स बताने वाला हूं, जिनको फॉलो करने के बाद आपका कंप्यूटर लगभग 10 गुना फास्ट चलने लगेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बढ़ते हैं हमारे पहले स्टेप्स की ओर। सबसे पहले आपको कीबोर्ड पर विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करना है और टाइप करना है टेम्प और एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपको सभी फाइल्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है और जो फाइल डिलीट नहीं हो रही उसको स्किप कर देना है। यहाँ से विंडो क्लोज कर देना है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टेप की ओर। फिर से आपको विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करना है और टाइप करना है श्री टैम्प श्री, प्रेस करना है एंटर। यहाँ से आपको सभी फाइल्स को डिलीट कर देना है पहले की तरह। और क्लोज कर देना है टैब। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप की ओर। एक बार फिर से आपको कीबोर्ड पर विंडो प्लस आर का बटन दबाना है और टाइप करना है प्रीफेट सीएच प्रीफेट्स, एंटर प्रेस करना है और इन सभी फाइल को डिलीट कर देना है। और फिर से आपको अपनी होम स्क्रीन पर आ जाना है। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ स्टेप की ओर। इसके लिए आपको विंडो सर्च बार में आपको टाइप करना है डिस्क क्लीनअप, पर इस ऐप को ओपन कर लेना है और ओके प्रेस करना है। यहाँ से यहाँ पर आपको जो भी फाइल को आपको सिलेक्ट करना है उनको सिलेक्ट कर लीजिए और ओके पर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर डिलीट करना भी पूछेगा, आप डिलीट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको होम स्क्रीन पर आ जाना है और हमारे चार स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं हमारे पांचवे स्टेप्स की ओर। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर पर जाना है। टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्टअप का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको उन ऐप्स को डिसेबल कर देना है जिन्हें आप बैकग्राउंड में अनेबल नहीं रखना चाहते। यहाँ पर मैं ओपेरा ब्राउजर जैसे कई सारे ऐप्स को डिसेबल करने वाला हूँ। इतना करने के बाद विंडो क्लोज कर देना है। इसके बाद आता है हमारा सिक्स स्टेप। इसमें आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद डिस्प्ले पर जाना है, सेटअप पर जाना है। यहाँ पर आपको टेम्परेरी फाइल को सिलेक्ट करना है। टेम्परेरी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जिन जिन डाटा फाइल्स को आप डिलीट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और रिमूव फाइल पर क्लिक कर देना है। यहाँ से विंडो क्लोज कर देना है। अब बढ़ते हैं हमारे सेवन स्टेप की ओर। डिस पीसी की प्रॉपर्टीज में जाना है आपको। चैन सेटिंग पर जाना है, एडवांस सेटिंग्स। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एडजस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस और अप्लाई कर देना है। ओके प्रेस करना है और यहाँ पर विंडो पूरी को क्लोज कर देना है। इसके बाद हमारा जो आठवां स्टेप आता है उसमें आपको अपनी रैम का साइज कैलकुलेट करके रखना है। यानी कि अगर मेरे यहाँ 4 GB रैम है तो उसको मुझे 1.5 गुना से गुणा करना है, यानी कि 4 × 1024 × 1.5, इसी को 3 से गुणा करना है, यानी कि 1.5 और 3 दोनों से गुणा करना है। इसके बाद शुरू होता है हमारा एट स्टेप।
आपको दिस पीसी की प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पर फिर से चैन सेटिंग में जाना है, एडवांस में जाना है, सेटिंग्स, एडवांस, चेंज। यहाँ पर आपको कस्टम साइज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कैलकुलेट किया हुआ साइज आपको टाइप करना है और ओके पर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। ओके और लास्ट में क्लोज कर देना है। इसके बाद हमारा जो नौवां स्टेप आता है उसमें आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ पर टाइप करना है मीम डिटेक्ट गेटअप। टाइप करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर नीचे आपको साइड में लेटेस्ट लिखा हुआ दिखेगा रिलीज, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जिस फाइल के अंत में exe लिखा हुआ है उस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको विंडो को क्लोज कर देना है। फिर आपको दिस पीसी में जाना है, डाउनलोड में जाना है और इस सॉफ्टवेयर को आपको ओपन कर लेना है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है और इंस्टॉल। यहाँ पर ये हमसे अपडेट के लिए पूछ रहा है तो मैं आप इसको अपडेट कर लेना चाहता हूँ। यस कर दिए। आपको अपडेट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो एक नीचे बार में जो नंबर दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर में, वो आपको ये बता रहा है कि आपकी रैम ओवर कितनी यूज हो चुकी है। फिलहाल मेरा यहाँ पर 65 दिखा रहा है, यानी कि मेरी 65% रैम ओवर यूज हो चुकी है। तो ये मतलब थोड़ा हाई है, तो मैं इसको कम करना चाहूँ तो मैं इसको कम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक क्लीन मेमोरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी ये जो रैम ओवर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ मैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, पहले यहाँ पर ऑरेंज कलर में शो रहा था, अब यह नंबर ग्रीन कलर में शो रहा है। यहाँ पर यह घटकर अब लगभग 40 के करीब आ चुका है, यानी कि अगर मेरे पीसी की रैम मेमोरी अगर हाई यूज हो रही है तो मैं उसको कम से कम कर सकता हूँ। अब देखिए इसके यूज से आपको फर्क क्या पड़ेगा कि अगर आपकी पीसी की रैम मेमोरी अगर हाई यूज हो रही है तो आप उसको कम करेंगे तो आपको मतलब कंप्यूटर में ज़्यादा रैम बचेगी, तो इससे आपका कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट चलेगा। अब आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ इसकी, जिससे ये आपके कंप्यूटर को मतलब रैम मेमोरी को हाई होने पर ऑटोमेटिकली क्लीन कर देगा, और जैसे ही आप अपना सिस्टम चालू करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पर रन रहेगा, जिससे ये हाई मेमोरी को क्लीन करता रहेगा। तो चलिए अब आपको इसकी सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। तो सिंपली आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जनरल में जाना है। यहाँ पर आपको लोड स्टार्टअप ऑन सिस्टम वाले ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है, ऑन कर देना है। एंड फिर आपको मेमोरी क्लीनिंग में जाना है। यहाँ पर आपको सबसे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्लीन वेन अबव परसेंटेज, ऐसा कुछ ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको लगभग से ये पूछना चाहता है कि आप मतलब आपकी मेमोरी कितने परसेंट हाई जाने पर क्लीन करना चाहता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर अपने हिसाब से नंबर टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 60 टाइप कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इसके बाद मेमोरी क्लीन के बाद आपको अपीयरेंस में आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यूज
ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, इसको आपको ऑन कर देना है और सिंपली यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ पर आप जब भी आप अपनी मेमोरी को क्लीन करेंगे तो आप कितने भी चाहें तो कितने भी बार आपको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बार मत कीजिएगा। एक बार और करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमारे 9 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमने 9 तरीके कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके बाद आपको अपना पीसी को रिस्टार्ट कर लेना है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में आपको अपनी राय देनी है कि वीडियो कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।